सहरसा जिले के नौहटा प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के खेतों में लगी फसल को नीलगाय बर्बाद कर देते हैं। किसानों ने सब्जियां और मक्का की खेती करना बंद कर दी है, क्योंकि जंगली नील गायों की बढ़ती तादाद ने किसानों की फसल को व्यापक पैमाने पर बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इन जंगली जानवरों के द्वारा फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को सही से क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। नील गाय के प्रकोप से मोहनपुर पंचायत के किसान परेशान है। नील गाय झुंड में तेजी से दौड़ती है, जिसके कारण फसल टूट कर नीचे गिर जाती है और फसल बर्बाद हो जाती है। फसलों का बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। लगभग तीन चार साल से जो यहाँ जंगली पशु यानी नील गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पात मचा रखा है। हम लोगों ने यानी सरपंच नव निर्वाचित सरपंच के पास हम लोगों ने आवेदन भी दिया, इससे पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि फॉरेस्ट विभाग को हम लोग जो जानकारी देते हैं, तो वहाँ से जानकारी आई कि जो हम लोगों को पकड़ने का आदेश नहीं है। तो हम सरकार से ये गुहार करना लगाना चाहते हैं कि आप जो हम लोगों की क्षति का वाजिब जो है पूर्ति किया जाए, और हम लोगों को जो कुछ आश्वासन मिलना चाहिए। हम लोग जो लगभग 500 मीटर दूर से पानी ले जाके जो है खेत में पटवन करके जो है पौधा लगाए हैं, इससे तो हम लोग कोई लाभ मिला नहीं है। हम लोग जो है जल जीवन हरियाली जो है उसका जो कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। तो हम जो है यानी हरियाली बढ़ाना चाहते हैं। मेरा मकसद यह है कि यानी आगे का जो जनरेशन हो इस पे जो है डेवलप करे। और कहाँ का मामला है ये? मोहनपुर का है। नाम? इस्तेखार खान। यह एक जंगली नील गाय है, यहाँ आता है, हम लोग का फसल खा जाता है। फसल भी खाता है, जैसे गेहूं भी खा जाते हैं, मकई भी, जो भी है गाछ वृक्ष जो भी होता है सब खा जाता है। तो हम लोग को तो क्षति होता ही है। फॉरेस्ट वाले को हम लोग जानकारी दिए, सरपंच के पास आवेदन दे के फॉरेस्ट वाले की जानकारी दिए, तो वो फॉरेस्ट वाले बोले कि हम लोग को ये पकड़ने की ऑर्डर नहीं है। तो बताए किया तो हम लोग क्या करेंगे? मेरा फसल नष्ट होता है और नील गाय खा जाता है, तो हम किसको कहेंगे, किसको सुनाएंगे? मेरा क्षति का मुआवजा कौन देगा? कहाँ का मामला? जिला प्रशासन से आग्रह करके हम लोग को भी कुछ तो कराना होगा ही। जिला प्रशासन फॉरेस्ट वाले को दिए तो हर जगह सूचना मिल गया होगा ना। थाना वाले की भी सूचना दिए कि नील गाले गायब है, तो थाना वाला बोला कि हमको इसमें कोई मतलब फॉरेस्ट वाले है। फॉरेस्ट वाले भी बहानाबाजी करते हैं, यहाँ पकड़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर तो दिक्कत बड़ी मुसीबत होना पड़ता है। इससे अच्छा होता है कि हम लोग खेती करना छोड़ दे। क्या नाम सिंह है? कहाँ का मामला? ये मोहनपुर का है। क्या नाम हुआ आपका? चिक्कू कुमार सिंह।